हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे काउबॉय बीबॉप, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन स्पेस कॉमेडी एक्शन सीरीज है, जो कि एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन है एक एनिमे सीरीज का, जिसका नाम था काउबॉय बीबॉप, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। अब ये एक एनिमे सीरीज का लाइव एडेप्टेशन है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मैंने भी अपनी लाइफ में एनिमे सीरीज देखी है, लेकिन मैं अपने आप को बिग फैन नहीं मानता, क्योंकि मैंने बहुत सारी अभी तक नहीं देखी है सीरियसली, और उन्हीं में से ये एक सीरीज है जिसको मैंने नहीं देखा था। लेकिन खैर, मैंने ये लाइव एडिटेशन देख लिया। 10 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक के, और ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है नेटफ्लिक्स पर। खैर, शो की कहानी सिंपल सी ये है कि यहाँ पर हमें 3 बाउंटी हंटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और उनके बदले इनको मिलता है पैसा। यहाँ पर हमें अर्थ नहीं बल्कि अलग अलग प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, और अलग अलग प्लैनेट्स से इतनी आसानी से जाते हैं, जैसे मानो कि एक सिटी से बंदा दूसरी सिटी में जा रहा हो। तो ये इसकी एक यूनिक चीज़ है जो आपको ये शो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा शो का जो मेन प्लॉट है, जैसे कि अलग अलग क्रिमिनल्स को पकड़ना, वो तो है, लेकिन उसके अलावा जो सब प्लॉट है, यानी कि वो जो सिंडिकेट वाला प्लॉट है, वो भी इक्वली आपका एक अटेंशन बनाए रखेगा इस पर्टिकुलर शो में। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर आप लोगों ने एनिमे सीरीज देखी है काउबॉय बीबॉप, तो आपको ये शो कितना पसंद आएगा, या आप लोग इसको देखना भी चाहोगे, या स्टार्टिंग में देखने के बाद इसको आप लोग आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, ये आप पर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरी तरह ऑडियंस जिसने उस एनिमे शो को नहीं देखा, तो ये शो वो लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये एक बेस्ट शो नहीं है। क्योंकि जब इस हर एक एपिसोड की जब आप अलग अलग कहानी देखते हो, तो वो कहानी में इतना दम होना चाहिए कि ऑडियंस पूरी तरह से एंगेज हो जाए। वो दम यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुआ। मतलब ये शो पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि रिलाय करता है इसके स्पेशल इफेक्ट पे, जो विजुअली जो आपको ये शो ग्रैंड बताया है, जिस तरह से वो अलग अलग प्लैनेट्स बताया, उसको डिजाइन किया है, वो जो VFX डाले है वो, और प्लस इसमें जो एक्शन सीक्वेंस डाले, उस पर ये शो ज़्यादा फोकस करता है, ना कि इसकी स्टोरी पर। वो चीज़ मुझे थोड़ी बहुत खटक रही थी। उसके अलावा शो में जो 3 बाउंटी हंटर्स है, स्पेशली यहाँ पे जॉन चू ने, जिसने यहाँ पर स्पाइक का रोल प्ले किया है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के पास में जो चीज़ हुई है, वो तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, लेकिन वो जो एक डेपनेस होती है ना कैरेक्टर्स में, वो आपको इन तीनों ही कैरेक्टर्स में, जो कि मेन कैरेक्टर, उनमें नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आज की तारीख में ना एक कैरेक्टर से कनेक्ट होना चाहती है, तो वो कनेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। भैन बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ठान ठान, पता नहीं कौन ठोक रहा है, और अभी मैं क्या करूँ यार, बहुत दिमाग की दही कर रहे हैं यार। तो कि अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा पहले कि विजुअली ये काफी ज्यादा स्टनिंग है, और वैसे ही आपको लगती है। आर्ट डिजाइन बहुत अच्छा, कॉस्ट्यूम्स बहुत ही अच्छे, काफी कलरफुल लगेगा आपको शो देखने में। BGM बहुत ही गजब है, मतलब इसका BGM और स्पेशली टाइटल टैग में वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा यार। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, तो यार दे आर परफेक्ट बट दे आर नॉट परफेक्ट। मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको ये एक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत फील होगी। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो परफॉर्मेंस उनका ठीक ठाक है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, और देखा जाए तो इट्स एन एंजॉयबल सीरीज अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किए हो तो। लेकिन अगर आप लोग पर्टिकुलर सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करोगे या आप लोग सोचोगे कि मैं 10 एपिसोड देखूंगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे 2 दिन लग गए ये शो को कंप्लीट करने में। अब आप लोगों को कितने दिन लगेंगे मुझे पता नहीं, या शायद आप लोग शो को देखोगे भी या नहीं, ये भी मुझे कोई अंदाजा नहीं। शो के अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करो, देयर आर किसिंग सीन्स इन दिस शो, तो वो आप लोग ध्यान में रख लेना। मैं शो को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। डेफिनेटली इट्स एन वॉचेबल शो फॉर मी, बट नॉट दी वेरी बेस्ट जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो आप अंदाजा लगा लो। फिर भी आप इसके 2-3 एपिसोड देखना, अगर आपको अच्छे लगे तो कंटिन्यू करना, और आपको क्या लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल बैकग्राउंड में जो ठोकने की आवाज आ रही है, उसने मेरा दिमाग का भोग कर दिया यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल बाय।